गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर लेक्चर था उसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे और उस प्रॉपर्टीज़ में हमने बात की थी इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डी डिफरेंट संख्या में हमारे पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। किसी भी कंपाउंड को हम स्टेबल कब कहते हैं? व्हेन इट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर वेपर्स एंड नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट और डीकम्पोज एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे टूट नहीं रहा है, डीकम्पोज नहीं हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, वाटर वेपर्स से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है और ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम बात करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्कैंडियम प्लस 3 इज हाईली स्टेबल, टाइटेनियम प्लस 4 इज स्टेबल, वेनेडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6 एंड मैंगनीज प्लस 7 आर ऑक्सीडाइजिंग। मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग होने का मतलब ये है कि खुद रिड्यूस हो जाते हैं। एंड आयरन प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 4 एंड निकल प्लस 3 आर अनस्टेबल एंड ऑक्सीडाइजिंग। तो हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, वो ऑक्सीडाइजिंग होती जाती है। इन अ ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स देन द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एलिमेंट्स। तो इसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे हमारे हम आगे के डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं 3D की जगह, जैसे कि हम सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ के अंदर 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे हम आगे की शेल को यूज़ कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, और इन दैट केस इन इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल आसान होता है। इस वजह से हमारे को सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कंपेरिजन टू फर्स्ट रो एलिमेंट्स, और इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज़्यादा स्टेबल होती है। एक चीज़ और यहाँ पे हम फिर से मेंशन करना चाहेंगे कि हमें पता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे को काफ़ी आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जबकि सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर होते हैं, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती हैं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग स्टेट्स प्रोबेबली डू नॉट फॉर्म फ्लोराइड्स एंड और ऑक्साइड्स बट फॉर्म द हैवियर हैलाइड्स। जो रिड्यूसिंग स्टेट्स हैं मीन्स जो स्टेबल नहीं हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, सामने वाले को रिड्यूस कर देंगी। तो अगेन वी कैन से कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होंगी वो हैवियर हैलाइड्स के साथ में लाइक ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके साथ में मिलेंगी। सिमिलरली स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स फॉर्म ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बट नॉट आयोडाइड्स। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग मीन्स खुद रिड्यूस हो जाएंगी, मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होंगी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे को फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स मिलेंगे बट नॉट आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड। अब हम बात करेंगे इनकी डेंसिटी। ये इनका एक बहुत ही अच्छा फीचर है बाकी एलिमेंट्स से जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है। ये बहुत इनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं। इनकी डेंसिटीज़ हम देखेंगे कि अब लगभग सभी की 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हायर होती है। केवल कुछ ही एलिमेंट लाइक स्कैंडियम जिसके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इट्रियम एंड टाइटेनियम जिनकी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, बाकी सब 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हायर डेंसिटी के होते हैं। डेंसिटीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स आर इवन हाई, ये और भी ज़्यादा डेंसिटी के होते हैं। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है पीरियडिक टेबल में, तो हमारा ऑस्मियम एंड इरिडियम है। इनकी डेंसिटीज ऑस्मियम की देखिए आप 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अगर इनके देखते हैं
The melting and boiling points of transition elements are generally very high, above 1000 degree centigrade. Tantalum, tungsten and rhenium, ये इनके melting point above 3000 degree centigrade होता है. इनके high melting point and boiling point का वजह होती है involvement of d electrons in metallic bonding. आप अपनी higher classes में देखेंगे कि metallic bond बनाने में जितने ज़्यादा electron participate करते हैं melting point उसी के ऊपर depend करता है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि हमें पता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बट मेटेलिक कैरेक्टर बहुत हाई होता है. लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे वो कम होते हैं. इनके पास चूँकि डी ऑर्बिटल्स खाली भी होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से इनके पास मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन के लिए ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. एंड यही वजह है कि इनकी डेंसिटीज़ भी हाई होती है. इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जिंक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेंटीग्रेड, कैडमियम 321 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मर्करी, जैसा कि आप जानते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब इनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं बॉन्डिंग के लिए, तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं. अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी, मैनी ऑफ द मेटल्स आर सफिशियंटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन. हमें पता है जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या होती है कि वो मिनरल एसिड्स जो हमारे HCl इनके साथ में H2SO4 इनके साथ में रिएक्ट करके और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं. तो ये अधिकतर ऐसे होते हैं, केवल कुछ को छोड़ दीजिए. कुछ के इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं और ये अनरिएक्टिव होते हैं, या इनको हम नोबल भी कहते हैं. और नोबल मेटल्स हमारे कौन कौन से हैं? प्लैटिनम, पैलेडियम, रूथीनियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, जो कि ये प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स कहलाते हैं. इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ प्लैटिनम से मैच करती हैं, इसलिए इनको प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स कहते हैं. एंड गोल्ड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बहुत अनरिएक्टिव होता है, तो ये नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. ये स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं. अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसा कि नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको पहले भी बताया था, तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जिसका ट्रांजिशन होता है एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में, और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच की होती है. हैंस मे फॉर्म इधर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. फर्स्ट टू ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैव मैनी मोर आयनिक कंपाउंड्स देन एलिमेंट्स इन द सेकेंड एंड थर्ड रोज. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आयनिक कंपाउंड, फाइन्स रूल के बारे में हमें पता है, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जबकि हमारा जो कैटायन है, एनायन है, वो एक दूसरे को डिफॉर्म ना करें. इसके लिए कंडीशन है कैटायन का दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी का कम होना, या कैटायन की पोलराइजिंग पावर का कम होना और एनायन की पोलराइजेबिलिटी का कम होना. अगर ये दोनों कम रहेगी तो उस कंडीशन में हमारे को स्टेबल आयनिक कंपाउंड मिलेगा. जैसे जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, उसके ऊपर उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो इन दैट केस उसकी वो एनायन को बहुत अच्छे से डिफॉर्म कर पाएगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. तो ये हमें पता है, हमने इनकी देखा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर छोटा कैटायन होता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और इस वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे को आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. तो हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों जो ये हमारे फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड रो एलिमेंट्स. थैंक यू.